में इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ इंद्र मोहन जी, कि बाबा ने डरा दिया, प्रताप फलाना ढिमका ने डरा दिया। वहाँ के लोग हमें निकालने की धमकी दे रहे थे कि ये तो चोर उचक के लोग। सिक्योरिटी को लेके भी कंसर्न रहता है, थोड़ी डर लगता है मन में कि अगर इस इवेंट में गए तो कहीं मुश्किल ना हो जाए, कहीं कोई लिंच ना हो जाए, कहीं हुटिंग ना हो जाए। तो क्या नेहा को ये मुश्किल अब ज्यादा फेस करनी पड़ रही है या कब जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ज्यादा फेस कर रहे हैं? हाँ, ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। अब तो एक और मैं आपको बात बता रही हूँ, अभी यूपी में कहा जब चर्चा में था वो मैं हर जगह भी बताती रहती हूँ और आपके साथ भी मैं साझा करना चाहूंगी। मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने गई थी, दो चार लड़के पत्थर उठा ले, अरे ये वही लड़की ना यूपी में कहा ऐसे पत्थर उठा के मार 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 करने लगे थे। तो वो तो वहाँ पे पुलिस के एक दो लोग थे, फिर वो मैंने बोला कि भैया ये लोग कंट्रोल करिए इसको, फिर वो लोग भाग गए एकदम पीछे हो करके। तो ये हुआ, होता रहता है मेरे साथ भाई। आपको पता है सबसे बुरा तो तब हुआ, और ये एकदम सच बात है, ये लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारे साथ, मैं सच में इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ इंद्र मोहन जी, मैं नहीं ही होऊंगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हूँ। सबसे पता है हमको, मुझे जो लगता है सब कुछ कर लो, मेरे स्वाभिमान को चोट मत करो। जिस सोसाइटी में अभी मैं रो दूंगी तो लोगों को लगेगा है रो रही थी, बाबा ने डरा दिया, पता फलाना ढिमका ने डरा दिया। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, इन लोगों की जो पुलिस टीम आई, वहाँ का गार्ड तक मेरे बारे में भुनभुना रहा था कि कैसे लोग हैं। वहाँ के लोग हमें निकालने की धमकी दे रहे थे कि ये तो चोर उचक के लोग हैं, उनको कोई मामला भी नहीं जानना है कि इनके साथ हुआ क्या है। उनके साथ बस ये है कि ये कोई बहुत ही संदिग्ध टाइप के लोग यहाँ रहते हैं, पक्का अपराधी टाइप के लोग होंगे। लोग ये बात करने लग गए थे, मैं और हिमांशु पति पत्नी में हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, वहाँ का जो एक्स प्रेसिडेंट है और दो लड़का लड़की बैठे, भगाओ उसको, भगाओ उसको, उसको पता था। हमने कहा किसको भगा रहे हैं आप, हम दोनों मैरिड हैं, लफंगा ही करने नहीं बैठे हुए हैं, इंटरव्यू देने बैठे हुए थे पार्क में। ये माहौल क्रिएट किया वहाँ के गार्ड, मतलब आप समझ रहे हैं, जो गार्ड हमारे आने जाने पे कहता और मैम कैसी हैं, वो गार्ड पीछे छुप के ये वही है, पुलिस की नोटिस आई थी, क्या आपने छोड़ा है मुझे, और आपको लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। तो हम जैसे लोगों के लिए जो सच में अपने उसूलों के साथ जीने वाले लोग होते हैं ना, हमें लगता है कि हम नून रोटी खा लेंगे लेकिन हमारे स्वाभिमान के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे, है ना। तो हमें बड़ा दुख हुआ, हम बड़ा हिमांशु से कह भी रहे थे यार ये क्या हो रहा है, पर हम नहीं साझा करते हैं मीडिया में, बचते, हमको लगता है कि लोगों को ये लगेगा सहानुभूति पाना चाहती हैं।